हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल अर्थशास्त्र एंड लॉ क्लासेस के अंदर आज हम जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर हम धन की परिभाषा जो है उसको स्टडी करेंगे। ये जो मेरा लेक्चर है ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो मैंने बनाया है जिसके अंदर मैंने हिंदी के अंदर जो है कोशिश की है, जिसके अंदर हिंदी के अंदर जो है अर्थशास्त्र को हम स्टडी करें। हिंदी के अंदर मैंने नोट्स देने की भी कोशिश की है। अभी इसके नोट्स जो है मैंने ब्लॉग पर नहीं डाले, बट वहाँ पर आपको मेरा वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। ये तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसका अर्थ क्या है। देखो, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंदर क्या है कि हमारी जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे ही हमारी एक आवश्यकता पूरी होती है उसके साथ ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, परंतु जो हमारे पास साधन होते हैं वो सीमित होते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति जो होती है कम होती है, मांग ज़्यादा होती है। और इन साधनों के क्या होते हैं कि अलग अलग उपयोग होते हैं, और साधनों के सीमित होने के कारण और उनके विभिन्न उपयोग होने के फलस्वरूप हमारी चुनाव की समस्या जो है उत्पन्न होती है। हर एक व्यक्ति को ये चुनाव करना पड़ता है कि वो अपने साधनों का प्रयोग किस प्रकार से करे ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन है जिसका संबंध असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से है। और कई बच्चे मैंने देखे हैं कि जो हिंदी के अंदर भी जो है इंग्लिश का डेफिनेशन लिखते हैं, तो उनके लिए मैंने इंग्लिश की डेफिनेशन भी साथ में लिखी है। इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ दोज एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स विच आर कंसर्न विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वॉन्ट्स बाई यूटिलाइजिंग दी लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, जो अर्थशास्त्र है ये हमें बताता है कि हमारी जो असीमित आवश्यकता है और जो हमारे सीमित साधन हैं उनको, सीमित साधनों को हम किस तरह से प्रयोग करें ताकि हमें अधिकतम संतुष्टि मिले। तो अर्थशास्त्र जो है हमें अपने सीमित जो साधन है उसको किस तरह से हमने प्रयोग करना है उसके बारे में जो है अर्थशास्त्र हमें बताता है। अब हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसका डेवलपमेंट जो है बेसिकली किस तरह से अर्थशास्त्र का जो विकास हुआ है। देखो, अंग्रेजी भाषा के अंदर जो इकोनॉमिक शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, ओइकस जिसका अर्थ होता है हाउस होल्ड और नैमिन जिसका अर्थ होता है टू मैनेज, और इसको हम कह सकते हैं कि घरेलू प्रबंध। देखो, जो शुरू के अंदर जो है अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता था, जिसके अंदर क्या था कि राज के प्रबंध की एक शाखा माना जाता है। और उसी तरह बेसिकली क्या है कि देखो, जो अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो था मार्शल ने 1890 में अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर किया था। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र से अर्थ क्या निकलता है। देखो, 1933 में नार्वे के सुप्रसिद्ध रैग्नर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो भागों के अंदर बांटा था, एक जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कह सकते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र। देखो, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ये मनुष्य की इंडिविजुअल लेवल पर और फर्म की जो है जो डिमांड है, सप्लाई है, जो प्राइस डिसीजन है उसको स्टडी करता है। जो समष्टि अर्थव्यवस्था है जिसको हम आय तथा रोजगार का सिद्धांत भी कहते हैं, ये पूरी इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है अर्थव्यवस्था की उसको स्टडी करता है। बेरोजगारी कितनी है, रोजगार कितना है, पूरे देश की जो है इनकम लेवल कितना है, उपभोक्ता लेवल कितना है, और पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितनी है उसको स्टडी करता है। तो अर्थशास्त्र के अंदर जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको हम तीन भागों में स्टडी कर सकते हैं, एक है धन संबंधी, एक है कल्याण संबंधी और एक है दुर्लभता संबंधी। और आज इस जो लेक्चर के अंदर मेरा जो फोकस रहेगा डैट विल बी ऑन धन संबंधी जो है अर्थशास्त्र के ऊपर। और यहाँ पर हम देखते हैं के वेल्थ डेफिनेशन जो है, धन संबंधी जो डेफिनेशन है, परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे कि एडम स्मिथ, जे जे
से वॉक जे 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 से वॉकर जे एस मिल के अनुसार जो अर्थशास्त्र है वो शास्त्र है जिसने धन की प्रकृति तथा धन के उत्पादन अभोग विनिमय आदि का अध्ययन किया जाता है। देखो जो वेल्थ डेफिनेशन है उसके अंदर जो परंपरावादी अर्थशास्त्र है जैसे कि एडम स्मिथ है, जे बी से है, वॉकर है, जे एस मिल है, वो कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है इसके अंदर हम धन की नेचर को, धन को किस तरह से हम नेचुरली हम इसके अंदर वो एक आर्थिक क्रियाएं स्टडी करते हैं जो धन के उत्पादन अभोग विनिमय तथा वितरण के साथ जो होती हैं रिलेटेड होती हैं। और उसी तरह ही जो एडम स्मिथ है उसके अनुसार अर्थशास्त्र जो है राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि फीचर्स क्या हैं। देखो जो अर्थशास्त्र है इसके अंदर जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो केवल धन का अध्ययन है। देखो जो अर्थशास्त्र है वो सिर्फ जो है धन का ही अध्ययन करता है। इसके अंदर हम सिर्फ जो धन का अध्ययन है उसको हम सबसे ज़्यादा महत्वता देते हैं और जो मनुष्य का अध्ययन है उसको हम गौण स्थान देते हैं। अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है किसी देश में धन की मात्रा को बढ़ाना है और अर्थशास्त्र में हम जो स्टडी करते हैं धन का उपभोग उत्पादन विनिमय तथा वितरण को जो है स्टडी करते हैं। और उसी तरह जो सेकंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है धन की प्रकृति या अर्थ, इसके अंदर देखो जो धन का अर्थ है वो सिर्फ भौतिक वस्तु के लिए किया जाता है कि जो कि दुर्लभ होती हैं, जो आसानी से प्राप्त नहीं होती। भौतिक वस्तुएं वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, कपड़ा है, फर्नीचर है, सोना है, चांदी है, भोजन है। अभौतिक वस्तुएं या सेवाएं वो होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि हमें पढ़ाया जाता है, जैसे डॉक्टर है, ये जो होती हैं इन चीज़ों को जो है धन नहीं माना जाता। अर्थशास्त्र के अंदर जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको अध्ययन किया जाता है, जो अभौतिक वस्तुएं हैं उनको स्टडी नहीं किया जाता। और यहाँ पे धन के क्या कारण हैं, अर्थशास्त्र जो है धन को हम किस तरह से वृद्धि कर सकते हैं, और धन को बढ़ाने के दो कार्य होते हैं, एक तो बचत करके हम ज़्यादा पैमाने पे उत्पादन करते हैं, पूंजी में वृद्धि करते हैं, दूसरा होता है कि मांग में वृद्धि करने के लिए हम बाज़ार का विस्तार करते हैं। और देखो जो अर्थशास्त्र है इसके अंदर हम जो स्टडी करते हैं वो अर्धमानव है। देखो जो अर्धमानव है वो एक ऐसा मानव है जो अपने हित के लिए जो है काम करता है और अपने स्वार्थ को पूरी करने के लिए पैसा दिन रात कमाने के लिए कोशिश करता है। और इसी वजह से क्या है कि मनुष्य को अर्थमानव कहा जाता है, क्योंकि उसका सारा जो ध्यान होता है वो पैसे कमाने के ऊपर लगा होता है कि किस तरह से मैंने धन की वृद्धि करनी है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो एडम स्मिथ ने वेल्थ की परिभाषा दी है उसके क्या जो है मेरिट्स निकलते हैं, क्या गुण निकलते हैं। देखो ये जो धन संबंधी बेसिकली जो धन संबंधी समस्याओं को एक अलग से और काफ़ी विस्तृत और स्वतंत्र रूप से जो है इसका स्टडी किया गया है। और यहाँ पे जो 1776 के अंदर जो एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक थी इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन से पहले क्या हुआ था कि अर्थशास्त्र का विकास जो था एक स्वतंत्र नहीं हो पाया था। अर्थशास्त्र को धन की परिभाषा के अनुसार जो है व्यक्तियों तथा राज्यों दोनों को समृद्धि के बढ़ाना ही जो है दोनों के अंदर जो वृद्धि करना है जो है वो अर्थशास्त्र का जो है उद्देश्य है। अब हम देखते हैं इस जो डेफिनेशन है इसकी काफ़ी आलोचना भी हुई कि यहाँ पे देखो क्योंकि इसके अंदर हम सारी चीज़ें वो स्टडी करते हैं कि धन को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, धन का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, धन का उपभोग कैसे कर सकते हैं, वितरण कैसे कर सकते हैं, और धन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है और मनुष्य को उसका नीचा स्थान दिया गया है। परंतु जो धन है वो तो मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का एक साधन है, जरिया है। तो यहाँ पे हमें मनुष्य के जो धन है उस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। और उसी तरह इस परिभाषा का एक दोष ये भी है कि धन का जो शब्द है उसके अंदर सिर्फ भौतिक वस्तुएँ ली हैं जिनको हम देख सकते हैं, जो अभौतिक वस्तुएं हैं उनको हम इसके अंदर नहीं लेते। और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो हमारा अर्थशास्त्र के अंदर जो अर्धमानव की धारणा है वो भी गलत है, वो भी है,
क्योंकि यहाँ पे है कि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए काम करता है, वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता, बल्कि हम कई चीज़ें नैतिक, सामाजिक और धार्मिक जो चीज़ें हैं वो भी करते हैं, तो अर्थशास्त्र जो है उनको स्टडी नहीं करता। और यहाँ पे अर्थशास्त्र जो है कल्याण की भी जो है स्टडी नहीं करता, समाज के आर्थिक कल्याण के अध्ययन को ये कोई महत्ता नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ धन की प्राप्ति की को ही स्टडी करते हैं। और लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर क्या है कि धन की प्राप्ति के साथ मनुष्य के कल्याण में कैसे वृद्धि होती है, वो भी अर्थशास्त्र का उद्देश्य है। और उसी तरह इस जो एडम स्मिथ ने परिभाषा दी है उसके अंदर दुर्लभता तथा चुनाव की समस्या की उपेक्षा के बारे में भी नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे जो समस्या होती है क्योंकि सीमित साधन होते हैं और जिसकी वजह से चुनाव करना पड़ता है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया। और इस परिभाषा ने देखो इसका जो एक और दोष था कि धन की प्राप्ति को अर्थशास्त्र का उद्देश्य बनाया है, परंतु ये नहीं बताया कि धन को प्राप्त करने के लिए हमें कौन से साधन अपनाए जाने चाहिए, कानूनी, उचित, क्योंकि इसने इस तरह का कोई चीज़ नहीं बताया कि हमें धन जो है किस तरह से जो है प्राप्त करना चाहिए।